इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ मंजुला राठौड़ और मैं गुलबर्गा से बिलोंग करती हूँ, कर्नाटक से हूँ। और माय नेम इज़ तृप्ति, मैं कर्नाटक से हूँ, बसवकल्याण तालुका से। मैं कभी हॉस्टल में नहीं रही, ये मेरा फर्स्ट टाइम हॉस्टल में है। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं हॉस्टल आऊँगी, शाहीन में आऊँगी, लेकिन जब मैं शाहीन में आई, मैं सोची भी नहीं थी कि मैं यहाँ पे रहूँगी। मैंने एक साल ऐसे ही रह गई, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा शाहीन। यहाँ की सेफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, यहाँ से अच्छी सेफ्टी कहीं मिलेगी नहीं। और यहाँ का मेस का खाना भी बहुत अच्छा है, जो दूसरे हॉस्टल में इतना अच्छा तो नहीं मिल सकता। हर एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ के, मतलब वार्डन्स भी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स तो इतने कोऑपरेटिव है, और यहाँ पे कभी भी कास्टिज़म्स नहीं होते, इतने अच्छे से रहती है मुस्लिम लड़कियाँ हमारे साथ, और हम भी उनके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। बहुत पूरा शाहीन बहुत मतलब सपोर्ट करता है, एक भी कुछ भी ऐसा नहीं है, पूरा मैनेजमेंट हमें कंट्रोल करता है। कभी खदीर सर, कभी मुखीत सर, सब बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। हमारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, नाइट सेल्फ स्टडीज़ भी बहुत अच्छी होती है, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन मार्क्स कभी कभार बहुत कम आते तो मोटिवेशंस भी बहुत मिलते जो हर जगह पर नहीं मिलते। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी है यहाँ पर शाहीन में, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा घर की ही फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा सेफ है, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये है वो है, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो नहीं सोची थी कि मैं न रहूँगी, लेकिन एक साल में मम्मी पापा से दूर रही हूँ। पहले तो स्टार्टिंग में बहुत रोए, सब रोए, लेकिन इतनी जल्दी एडजस्ट हो गए। मम्मी पापा जब भी अभी मिलने आते तो मैं उनको वापस बोलती हूँ कि नहीं पापा, मैं रहूँगी, मैं यहाँ से MBBS सीट लेके ही आऊँगी, मम्मी पापा का सपना है मैं डॉक्टर बनना, और मैं बन के ही जाऊँगी।